हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लाई हूँ मंगूर फ़िश की रेसिपी, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मार्केट से ले रही हूँ फ़िश और कौन कौन सी वैरायटी के फ़िश हैं। यहाँ पे जो येलो बकेट में है वो मंगूर फ़िश है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की फ़िश है, जो ज़्यादातर बंगाली फ़िश ज़्यादा है यहाँ पर। और मैंने तो मंगूर लिया है और एक दूसरी कोई मच्छी ली है फ्राई करने के लिए, वो मैं बाद में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपसे मंगूर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं राइस के साथ सर्व कर रही हूँ और कितना टेंडर है ये फ़िश। इसमें ज़्यादा कांटे नहीं रहते, सिंगल कांटा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और क्या क्या मसाले मैंने लिए हैं। तो ज़्यादा दबाते ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है खड़ा धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, खसखस, राई और जावित्री, लौंग और काली मिर्च। इतने मसाले लिए हैं। ये सारे मसालों का जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना जो भी है इसमें। मतलब जो भी मसाले मैंने यूज़ किए टोटली मसाले मैं आपको उसमें मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर पानी में भिगा के रखूँगी। पानी में भिगाने के लिए ये होता है कि आपको मसाले की क्वांटिटी तभी समझ में आती है क्यों ज़्यादा है कि कम है भिगने के बाद, क्योंकि मसाला डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने भिगा दिया और यहाँ पर देखिए मैंने मंगूर फिश को कितना अच्छे से क्लीन किया है। इसको 6-7 पानी में मैंने अच्छे से नल के नीचे ही मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद ये जो मैं आपको बोल रही थी ये दूसरी फ़िश मैं लाई हूँ, उसका एक्चुअली नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं खाती हूँ मुझे पता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मसाले लिए और मसाले के साथ अदरक, लहसुन और प्याज भी मैंने लिया है, ग्राइंड करूँगी एक साथ। और मैंने इसमें मिर्ची पेस्ट नहीं डाला है क्योंकि मिर्ची का मैं पाउडर डालने वाली हूँ। और फोड़ने तड़के के लिए मैंने प्याज लिया है, राई मेथी लिया है और तेज़पत्ता लिया है और सूखी लाल मिर्ची। तो यहाँ पे पहले मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने जो जो मसाले आपको दिखाए वो सारे मसाले एक साथ मैं पीसूँगी और एकदम फाइन पेस्ट करना है इसको, ज़्यादा पानी डाल के नहीं पेस्ट करना है। ज़्यादा पानी डालने का मतलब ये है कि आप मसाले जब भूनेंगे तो बहुत टाइम उसको लगता है भूनने के लिए। तो यहाँ पे मेरे मसाले पीस के हो गए हैं और यहाँ पे मैंने एक मोटी तले का बर्तन लिया है, मैंने कढ़ाई ली है जर्मन की, तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आप जो ऑयल खाते हैं आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मस्टर्ड ऑयल में जो फ़िश बनती है वो काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है। मतलब आपको पता होगा फ़िश और चिकन मटन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मांगूर को फ्राई कर लूँगी। इसको कैट फिश भी बोलते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए मैं नमक और हल्दी लगा रही हूँ और लगा के 2 मिनट इसको रख दूँगी, जब तक मैं मसाला फ्राई कर लूँगी। क्या एक साइड मसाला भी आपका हो जाएगा और एक साइड इसको भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने तड़के में मेथी और तेज़पत्ता डाल दिया है, आप अपने हिसाब से तड़का यूज़ कर सकते हैं, बट इस हिसाब से बनाएंगे तो टिपिकल बिहार या यूपी साइड में जैसा बनाते हैं वैसे ही ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है और इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करूँगी। और दूसरी कढ़ाई में मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। फ़िश फ्राई करने के लिए आप ध्यान दें कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ करें, नहीं तो फ़िश काफ़ी पकने के बाद वो टूटने लगती है, अगर चिपक जाएगा तो निकलेगा भी नहीं, पूरा टूट टूट के निकलेगा। तो यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी और क्रिस्पी फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मेरे अनियन भी फ्राई हो गए हैं, उसके बाद से मैं मसाला डाल दूँगी और मसाले को मैं लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी क्योंकि तब तक मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही है। तो इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, बाकी और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे मसाले पीस के लिए हैं। आप इसमें नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूपी और बिहार साइड में ऐसे कुछ यूज़ नहीं करते नारियल। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और बिना नारियल का भी ये ग्रेवी काफ़ी थिक होता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे खटाई नहीं तो कोकम यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोकम यूज़ कर रही हूँ, खटाई नहीं यूज़ कर रही क्योंकि गांव यूपी साइड में हमेशा खटाई यूज़ करते हैं थोड़ा खट्टापन लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना लो फ्लेम पर मैं मसाले फ्राई कर रही हूँ, तो तेल सेपरेट हो रहा है और ऐसे ही सेम आपको भी फ्राई करना है। और एक साइड मेरी मच्छी फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे ये मसाले भून के हो गए हैं, भुनने के बाद से मैं ये सारे मच्छी निकाल के एक साइड में रखूँगी और उसके बाद से मसाले और थोड़ा 2 मिनट भुनने के बाद से इसमें मैं पानी डालूँगी। इसमें करीबन मैंने 4 से 5 मतलब छोटे ग्लास मैंने पानी डाले, अगर बड़े ग्लास से देखा जाए तो 1.5 ग्लास होता है पानी। और इसमें मैंने कोकम डाल दिया है और इसमें आप कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ पानी डाल के बॉयल आने दूँगी। और आप अपने हिसाब से ग्रेवी थिक या मतलब जैसे इसमें भी आप फिश डाल के खाली मसाले वाले भी खा सकते हैं। तो इसको मैं ग्रेवी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे छोटे 4 ग्लास मैंने छोटे वाले ग्लास से 4 ग्लास डाले हैं और बड़े ग्लास से 1.5 ग्लास होंगे वो।
तो यहाँ पे ये इसको बॉईल आने दूंगी और इसको भी स्लो फ्लेम पे ही मैं पकाऊंगी, तरी ऊपर आने तक मैं पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मसाले पक गए हैं और इस पे फ्राई फिश डाल रही हूँ और ऐसे ही करके मैं सारे फिश डाल के और उसके बाद से फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फ़िश कुक है तो कुछ इसमें आपको करना ही नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है ये देखने के बाद, मतलब आप ये देखेंगे तो खाने का मन करेगा, कितना अच्छा लग रहा है ये। अगर आप इसी हिसाब से बनाएंगे तो आपकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।